ओम अथ श्री दुर्गा सप्तशती विनियोगा ओम प्रथम चरित श्री ब्रह्मा श्री महाकाली देवा गायत्री चंदा नंदा सती रक्त दंतिका बीजम अग्निस्तम ऋग्वेदा स्वरूप श्री महाकाली पृथ्वी के प्रथम चरित जपे विनियोगा ध्यानम ओम खड़गम चक्रगदे चापरगा चुलम बुसंडीम चिरा संकम संदधिम प्रयत्न नैना चर्वांग भूषा वृता नीलाश मध्य दिमाश पाद दुष्काम सेवय महाकाली काम यमस्तु असपते कर हरो कमजो हंतु मधुम कैटपम ओम नमः चंडिकाय ओम ऐं मार्कण्डेयवाच सावर्णया सूर्य संयो यो मनुः कथ्यतेष्टमानि सामाय तदुत्पत्तिं विस्तरात् गततो मम महामायं भवन यथा मन्वन्तान्तराधिप सब बभू महाभाग सावर्ण स्तनयो रवे सरोजिसेन्द्रे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भव सुतो नाम राजा भू समस्ते चित मंडले तस्य पालत सम पच्य प्रजान पत्रा निवार शोन बभू व सत्रपो भूपा कोला विध्वंसिन सदा तस्य तैर भवति उत्तिमति प्रबल दंडेना न्यूने रपित सतैरी दे कोला विध्वंसि भेड़ दे तथा शपुर माया तो निधि देशा अधिको वत आक्रांत सम महाभागस्य सता प्रबला रवि अमात्यर बलि भेट दुष्टैर दुर्बल से दुरात्म भी कोशो बलम चा भृदन तथा विश्व पुरे तथा ततो मृग याव्या जन स्वाम से भूपति एकाकी हरिमारो जगाम गहनम वनम सतरास मम द्राक्षित द्वज भरी स्मृत चा प्रशांत श्वा पदागेण मनुष्योपि शोभित तत्कंचित कालम चा मुनिना तेनम सत्कीर्ता इतस्तेत विचरस्मे मन मुनिवराश्रम सुचिंत तद्र मम कृष्ण चेतना मत पूर्व पालित पूर्व मयाहीनम पुराम मदभृत्यर्धर्मदा पालते नवा न जाने शपदानो मै सूरहसीम सदा मदा मम वैरी वशम जाता कान भोगानुपलक्ष्यते ये ममानुगतामृतम प्रसाद धन भोजन अनुवृत्तम हमुत्पन्नो धनाम कुले पुत्र पुत्र दारे निस्तच धन लोभाद साधु विभिन्न सिद्धनार्दरे पुत्र राधाय मे धनम वनम अभ्यागतो दुखी निरस्त चाप्त बंधु भी सोहम न वेद्य पुत्राणाम पुत्राणाम कुशला कुशलात्मिका परिवर्तन सजनाम च दाराणाम चा संस्था किम नु तेषाम गृहे क्षेमम क्षेमम कुम नुषाम पदम कथम ते किम नु षद्वृत्ता द्रुवृत्ता किम नु मे श्रुता राजो वाचि गैरिनस्तु भवान लब्धे पुत्र दारादिभिर्दने तेषु किम भवता स्नेह मनोबध्नाति मानसम वैश्य वाच एवं एतद् भवान अस्मदगतम वचः किं करोमि न बजाति मम निष्ठुरथां मना ये संतज पितृष्ठेयं धनुर्भ्य निराकृता पति सज्जन हार्दम च हार्दितेषु मे मना किमे तन्नाभि जानामि जानन्नपि महामते यत् प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेषु विबन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो धर्मनस्य च जायते करोमि किं यन्न मनस्त्वेति मनस् तेष्व प्रीतिषु निष्ठुर मार्कण्डेयव ततस्तो सहितोऽभिप्रम तं मुनि समुपस्थितो समाधिन्नां वैश्यस्य सच पार्थिव शतमः कृत्वा तु ते यथा नयम यथारं ते निशमिदम् उपविष्टो कथा काश्चित् चक्र दुर्वैश्य पार्थिव राजोवाच भगवत त्वामहं प्रश्नमिच्छामि कं वदस्वेत दुखाय यन्मे मनसा सुचित्ता चित्ताय तताम विना मम संगत राजस्य राज्यं द्वेष फिलेषि जानु लोपि यथाज्ञते किमे तान् मुनिशत्तम अयं च निकृत पुत्र दारैर्भृत्या तथोचित स्वजनैं च संत्यक्तेषु हार्दि तथा प्रति एव मे सदाहं च द्वा वप्यत्यन्त दुःखितो दृष्ट दोषे विषये मम त्वाकृष्ट मानसो तत्किमे तन्महाभागं यन्मोह ज्ञानोरपि मम सुजभविदेश विवेकान्देश मूर्ता ऋषिवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तुर्विषये गोचरीय विषये च महाभाग जाति चय पृथक प्रदम दिवान प्राणी न केचित ग्राता वंदा तथा केचित दिवा तथा रोत प्राणी न तुल्य दृष्ट जन नो मनुजा सत्यम किम तु ते नहि केवलम यतो हि ज्ञानी न सर्वे पशुपक्षी मृगादि जनम से जनम निषाणम यतेषा मृग पक्षिणाम मनुष्याणाम चैतेषाम तुल्य मन्य तथो वयो ज्ञाने पिसति पश्यतन पतंगा चक्ष वक्षुकन मोक्षा दृतान मोहात पीड़िया मानन पिछुता मनुषा मनुष्य व्याघ्र साभिलाषा सुतान प्रति लोभात प्रत्युपारायत निर्निदान किम न पश्यत श्री तथा ममतावृते मोहवृते निपाति महामाया प्रवण संसार स्थिति कारण तन्नात्र विस्मय कार्य योग निद्रा जगत पते महामाया हृष्टे तया समूहित जगत ज्ञान नम चेतांसी देवी भगवत शब्लाद कुटुमा महामाया परिचिति तया विसृजित विश्व जगत दे तच्चराचरम सहसा प्रसन्न वरदान निर्णाम भवक्ति मुक्त ये सा विद्या परमा मुक्त हेतु भूत सनातनी संसार बंधु हेतु सेव सर्वेश्वरी श्री राजोवाच भगवान का ही सा देवी महामाई थी जम भगवान परवीत कथम उत्पन्ना सा कर्माश्च किम जुजा यत प्रभावा चा देवी श्री यत स्वरूपा यदुद्भवा तत्सरं चोत मिच्छामि तत्तो ब्रह्म विदाम्बरा ऋषि वाच नित्य विशा जगन मूर्ति श्री असरमिदम तथम तथा पिता समुद्र
समुत्पत्तिर बहुधा श्रूयता मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थं मा वीरभवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्या नित्या पिधीयते योग निद्रां यदा विष्णु जगति कारण विघटे आश्रियं तेषां भजत कल्पान्ते भगवान प्रभु तदा द्वावश्रो गुरु विख्यातो मधुकैट विष्णु कर्ण मलोद्भूतो हन्तु ब्राह्मण मुध्यतौ स्थनाभि कमले विष्णु स्थित ब्रह्म प्रजापति दृष्टवा तवश्रो चौग्रम पशुतम चनार्दम तुष्टा योग निदम तामेकाग्र हृदय स्थित विबोधनार्थ हरे हरे नेत्र कृतालियां विश्वस्य जगद्दाति स्थित शंकरकारिणीं नितां भगवत्यां विष्णुताम तुजः प्रभु ब्रह्म उवाच त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं ईश्वर वषट्कारका सुरात्मका सुधा त्वमखिल नित्यं निर्दग्धा मात्रात्मिका इति अर्ध मात्रा स्थिता नित्य ज्ञानी चार्या विशेषता त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वये तद्धारिते विषम त्वये तत्सृजते जगत् त्वये तत्पालयन्ते देवी त्वमत्सन्ते सर्वदा विशिष्ट अस्तित्वम् इति उपादिष्पालने तथा संगति रूपान्ते जगतोषि जगन्मय महाविद्या महामाया महामेधा स्मृति महामोहा जगवती महादेवी महाश्री परकेष्टि च सर्वश्री गुणत्रिवह काल रात्रि महारात्रि मोहराति चदारुणत्वं श्रीष्टमीश्वरं त्वं विश्वं बुद्धिर्बुद्धिलक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टितं शान्ति शान्तिरेजा खड्गनी थूलिनी घोरा गदनी चक्रिणी तथा संतनी चापनी बाण मुष्णी प्रदायत सौम्य सौम्य तराते सौम्य भेस्त सुंदरी परा प्रणाम परमा को तुम्हें परमेश्वरी किंचित क्वचित वस्तु सत्सर्वात्मक सच सर्व से या शक्ति चातुम किम स्तुए ये तदा यह तय जगत सर्व जगत पाते यो जगत स्वप्न निदल समितम के स्वाम स्तुति महेश्वर विष्णु ग्रहण महमीशा ने एव चाकारिता सो वेतो सत्म कहे सो तुम शक्तिमान भवित सा तम तुम परमेश्वर रुदार देवी इच्छा सुधा मोह हेतु द्वादश जो मधुकाट प्रभु तम चर्च ने तो मच दो लोग बोध चिकित्सा में शांति में तो महाश्रो इस वाच एवं स्तुता तुदा देवी विष्णु प्रबोधनाथ निहंत मधुकैटव नेत्रशनाथिका बाहुहृदेभ्यथोरश निर्गमे दर्शन तस्थ ब्रह्मणो व्यक्त जन्मन उतस्थ जगन्नाथ मुक्त जनार्दन इकारण हिशयनाथ सदृशो चतो मधुघट दुरात्मनावती बलाक्रमो रुद्रक्षण क्षणवत्म ब्रह्मण जानी दिमे समुताय तथस्ताव युद्ध भगवान हरि पंचवर्षाणि बाहुप्रणो विभुवतावक्तियाबलोन्मत महामाय विमोहित उक्तवंतो वरशमत विरीजा केशव श्री भगवान वच भवित मध्य मे तुष्ट मम वध्या उभावी किमन वर्णथ एतावृत मम ऋषिवाच वंचिताभ्यमित तदा सर्वमापो मयम जगत विलोकिताभ्याम वजि भगवान कमलेक्षण अवम जहीन योर्वी सलिन परुप्लता ऋषिवाच जगने सरष्येतो एवं समुत्पन्न ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्यादिवत् भूय शृणु वदामि तं ऐं ओं इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सामनित कमल मंत्रे देवी महात्म्य मद्गदा वधूनां प्रथमोऽध्यायः।